हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जैसे आपने टैगलाइन पढ़ा था, क्या ब्लिंकिट अमेजोन को खा जाएगा, टेकओवर कर लेगा? क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स ने दावा किया है कि वो ज़्यादा सामान ब्लिंकिट पे बेच रहे हैं एज कम्पेयर टू अमेजोन। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो 10 मिनट्स का आइडिया है वो चलेगा नहीं, बट उसी आइडिया को बहुत सारी कंपनीज ने फॉलो किया, जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, या फिर जेप्टो, या फ्लिपकार्ट, या अमेजोन भी अभी ट्राई कर रहा है कि जल्द से जल्द डिलीवरी करने का। बट अभी ओवरऑल हो क्या रहा है, ब्लिंकिट पहले आया, कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे रहा था ऑनलाइन, वो भी 10 मिनट में। अभी ब्लिंकिट पे सब कुछ आने लगा है और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी सेल अमेजोन से ज़्यादा ब्लिंकिट पे हो रही है। और जो जोमेटो के ओनर हैं, जो कि उनकी ही कंपनी है, सिस्टर कंपनी है ब्लिंकिट, जिसको उन्होंने अक्वायर किया था, उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी ब्लिंकिट जोमेटो से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या ब्लिंकिट अमेजोन का मुकाबला कर पाएगी, जो इंडिया में या वर्ल्ड में इस लेवल पे है, ऑनलाइन में सबसे बड़ा कंपनी है, सबसे अगर देखा जाए मार्केट कैप वाइज US का कंपनी है और वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे, और इंडिया में भी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। क्या ब्लिंकिट अमेजोन को टेक ओवर कर पाएगी या उसका मार्केट शेयर ले पाएगी इंडिया में, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर बना हुआ है इंडिया में, बट अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है। अभी इंडिया के भी पार्ट हो चुके, एक है रिच इंडिया, एक है मीडियम इंडिया और एक है लोअर इंडिया। जो रिच इंडियंस हैं उनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, दे आर गोइंग टू बाय इट। आप 100 रुपया महंगा बेचो या 100 रुपया बढ़ा के बेचो या डिलीवरी चार्जेस आप ले लो 100 रुपया, दे विल बाय इट एनी हाउ। तो ब्लिंकिट इज टारगेटिंग दूस पीपल जो पैसे के बारे में सोचते ही नहीं, और उनको ये सब डाटा मिला अमेजोन जोमेटो से। जोमेटो ऑलरेडी फूड डिलीवरी में है, जोमेटो को सब पता है कि कहाँ पे लोग सोचते नहीं है, कहाँ पे लोग कूपन नहीं अप्लाई करते हैं, कहाँ पे कौन से एरियाज में, कौन से सिटी में, कौन सी लोकेलिटी में वैसे लोग हैं, वो वहाँ पे उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे पुश कर रहे हैं ब्लिंकिट की जो भी नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट, अब ब्लिंकिट को वहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं। और होता क्या है, कंपनीज में एक फिक्स कॉस्ट तो रहती है, एक बार फिक्स कॉस्ट निकल गई, वेरिएबल कॉस्ट इनके ऑर्डर्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है। स्टार्टिंग में जोमेटो भी प्रॉफिट नहीं कर रहा था, फिर धीरे धीरे अभी जोमेटो प्रॉफिट में आ गया है। जोमेटो तो प्रॉफिट में आया है, बट अभी कहा ऐसा जा रहा है कि ब्लिंकिट को भी वो प्रॉफिट में ले आएगा, क्योंकि अभी ये क्वांटिटी में डील करने वाले हैं। इनका फिक्स कॉस्ट तो है भाई, सेटअप है, इंजीनियर्स का सेटअप है, जो भी है वेबसाइट का है या जो भी उनका एक सेटअप रहता है वन टाइम। जैसे अगर आप कोई शॉप खोलते हो, आपका शॉप रहता है, शॉप का अगर रेंट है तो रेंट रहेगा, या सैलरी है तो सैलरी रहेगी। और ऑनलाइन कंपनीज में क्या रहता है, एक बार आपका सिस्टम बैठ गया तो वो सिस्टम बैठ जाता है, उसके ऊपर आपका खर्चा नहीं बढ़ता है। अगर आपको 50 इंजीनियर्स की ज़रूरत है, IT इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जो कि आपका पूरा ऐप वेबसाइट हैंडल कर सकते हैं, तो 50 या सफिशियंट आपकी साइट पे 1 लाख लोग आए या 10 लाख लोग आए। हाँ, बाकी फिर आप डिलीवरी जितनी बढ़ाओगे उस हिसाब से वो खर्चा बढ़ेगा, लाइक पेट्रोल्स का या दूसरे खर्चे बढ़ेंगे या पैकेजिंग का खर्चा बढ़ेगा, बट ये जैसे ब्लिंकिट है, जोमेटो है, इनकी एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर एक बार ये निकल गए तो प्रॉफिट बनाना इनके लिए ईजी हो सकता है। और इंडिया में क्या हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, आप सोचते हो कि मेरे को 10 किलोमीटर आगे जाना है, मेरा सी कोई भी हो,
एवरीबडी कैलकुलेट कि मेरा इतना टाइम जाएगा, मेरा इतना फ्यूल जाएगा। सो एज कम्पेयर टू गोइंग, अगर खुद ही जाना है उससे अच्छा किसी से बुलवा लो, और आपको रेट में भी बहुत फर्क दिखेगा। जोमेटो पे एक चीज, सॉरी ब्लिंकिट पे एक चीज 400 रुपये की मिल रही है, वही चीज आपको अमेजोन पे 300 रुपये की मिलेगी। ब्लिंकिट पे आपको आलू मिलेंगे 50 रुपये किलो, अमेजोन पे मिलेंगे 30 रुपये किलो, या दूसरे जो हैं। बट इंडिया में ऐसी भी पॉपुलेशन है जो सोचती नहीं है, जो कि प्रीमियम कैटेगरी में आती है, हायर क्लास में आती है, उनको फटाक से चीजें चाहिए। हाँ, आइसक्रीम खाने का मन हुआ, नेचुरल्स की आइसक्रीम खानी है, 10 मिनट में चाहिए, ठीक है। स्टोर पे मिलती है 70 रुपये का स्कूप, मैं तेरे को 150 रुपये दूंगा लेकिन मेरे घर पे लेके आ। दिस इज अ एटीट्यूड वो क्लास का, वो सोचता नहीं है वो क्लास, उनको सिर्फ और सिर्फ डोर स्टेप पे चीजें चाहिए। हाँ, मुझे ये मिठाई पसंद है तो लेके आप 10-20 मिनट में लेके आ, डजन मैटर, वो 500 रुपये की केजी की मिठाई है, मैं देखो 1,000 रुपये दूंगा, कोई इशू नहीं। देर इज अ कैटेगरी जो ऐसा सोचते हैं, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और उसी में ज्यादा कमाई। अभी आपको पता रहेगा लुई विटो के जो ओनर है वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्यों? बिकॉज ही इज सेलिंग द प्रीमियम। तो प्रीमियम में ज्यादा फोकस कर रही है ब्लिंकिट, बट अमेजोन कैसा है, पुराना प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है, कंपटीशन है, मीशो हो गया जैसे, बहुत कॉस्ट के ऊपर, हर चीज कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट 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 को नीचे ले गया। बट या फिर अभी जैसे बिग बास्केट है, वो कॉस्ट भी कवर करेंगे हर चीज। देखिए, हर चीज आप इफिशिएंसी करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी ब्लिंकिट का मॉडल है, आपको 10 मिनट में चीजें देंगे बट वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, बोल के एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो जो अफोर्ड कर सकता है वही जाएगा। और ये वर्क कर रहा है सरप्राइजिंगली। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था ये प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, बट उसके पीछे सब ने शुरू कर दिया। स्विगी ने इंस्टामार्ट शुरू कर दिया, जेप्टो आ गया, बिग बास्केट भी कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी कर रहा है, अभी अमेजोन भी ट्राई कर रहा है। बट फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ब्लिंकिट को मिला है। ब्लिंकिट इज डूइंग गुड नंबर्स के हिसाब से, जो अभी मार्केट में सुनने में आ रहा है, ब्लिंकिट को काफी ही पॉजिटिवली देखा जा रहा है। मैं आपको कुछ न्यूज़ भी दिखा देता हूँ, तो ये देखिए, गोल्डमैन सेक्स एग्री विद जोमेटो सीईओ ऑन दिस ब्लिंकिट फॉरकास्ट। जो जोमेटो के सीईओ हैं, उन्होंने फॉरकास्ट की थी कि भाई जोमेटो से बड़ा तो ब्लिंकिट बन जाएगा, उसको एग्री किया। ये अभी कप जीतने के बाद जोमेटो और ब्लिंकिट इन सब ने पोस्ट की थी, अवर बॉयज आर आउट टू डिलीवर केकेआर राइडर्स। तो कहने का मतलब ये कि ब्लिंकिट इज डूइंग गुड, और उसके न्यूज़ भी आ रही प्रॉपर। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ब्लिंकिट मोर वैल्यूएबल देन जोमेटोज फूड डिलीवरी बिजनेस सेज गोल्डमन सेक्स। तो अभी गोल्डमन सेक्स जैसी रिसर्च कंपनी अगर बोल रही है ब्लिंकिट इज मोर वैल्यूएबल, तो आप खुद समझिए कि कहाँ पे चीजें और जा रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि विदिन वन डे में हुआ है, इसके लिए 2-3 साल गए हैं। ब्लिंकिट ने अपना मार्केट शेयर बनाया है, और अभी ऐसा भी हो सकता है आने वाले 10 साल में ब्लिंकिट बड़ा मार्केट शेयर बना ले, अमेजोन का मार्केट शेयर कम हो जाए, क्योंकि जिस रिगोरस एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनके पास दो बेनिफिट है। एक तो उनके पास डाटा है, जोमेटो का डाटा है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, अगर मैं हिंदी में बताऊं किसकी कितनी औकात है, उसी को वो टारगेट कर रहे हैं। और उनके टारगेट हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी, जिनकी जो सोचते नहीं है, और जिनको सिर्फ और सिर्फ सर्विस चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। और अभी जो इनका फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर इनकी अभी अर्निंग निकलना शुरू हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट तो ये इजीली जितने ऑर्डर आएंगे उसमें वो प्रॉफिटेबल बना ही लेंगे।
फिक्स कॉस्ट के एक बार बाहर आ गए। और दो कंपनीज होती हैं जैसे जोमेटो भी है ब्लिंकिट भी है, तो ये अपनी टीम को कोलोबरेट करके एक साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज इनके पास आईटी इंजीनियर्स हैं दोनों को, जोमेटो के पास 500 आईटी इंजीनियर्स हैं, इनके पास 200 हैं, दे कैन कोलोबरेट। अगर ब्लिंकिट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो जोमेटो के भी आईटी इंजीनियर्स वहाँ लग जाएंगे। या इनकी फाइनेंस की टीम है, यहाँ के सीए यहाँ आ जाए, तो एक वो सपोर्ट सिस्टम ब्लिंकेट के पास है। और धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा कि क्या चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, ब्लिंकेट, जैप्टो, स्विंगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट में कौन जीतता है। ओके देन, यहीं तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था जो मेरे को समझ में आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।